हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रोनाउंस का 8th काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये बहुत ही यूजेबल प्रोनाउन है। इसमें बहुत सारे यूजेबल वर्ड्स हैं जो बोलने या लिखने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आज इनके हम यूजेस देखेंगे और जो उन पर कन्फ्यूज़न होती है उसका भी सॉल्यूशन होगा कि कहाँ पर ईच आएगा, कहाँ पर एवरीवन आएगा, कहाँ पर आइदर आएगा, कहाँ पर एनी आएगा, कहाँ पर नाइदर आएगा और कहाँ पर नन आएगा। इन सभी के यूजेस और कन्फ्यूज़न को हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। सो दोस्तों, लेट्स गेट इट स्टार्टेड कि हमें क्या क्या सीखना है और कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, हमारे पास 6 काइंड्स हैं, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एनीवन और नन। देखिए, ईच तो प्रोनाउन होगा मगर एवरी प्रोनाउन नहीं होगा। तो अगर आपको एवरी को प्रोनाउन उस केस में यूज़ करना होगा तो एवरी वन लिखना यहाँ पर कंपलसरी होगा। ईच वन हमें नहीं लिखना है, मगर एवरी अगर आप अकेले में देखोगे तो यूज़ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं हमें 6 वर्ड सीखने हैं, ईच, एवरी वन, आइदर, नाइदर और एनी और नन। ये है क्या, चलिए देखते हैं। वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, मगर हम एक बार में बात तो एक ही की कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ईच हैज़ डन हिज वर्क, तो इसमें आपने ईच वर्ड इसलिए यूज़ हुआ यहाँ पर क्योंकि बात आप एक ही की कर रहे हैं। और इस कारण से क्या होता है, फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर। तो ये जितने भी होंगे प्रोनाउन ये सभी सिंगुलर होंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये एक बार में एक ही पर्सन एक ही थिंग की बात करते हैं। सेंस निकलकर भले ही ऑल का आ जाएगा बट ये बात किसकी कर रहे होंगे, एक की कर रहे होंगे, इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि सिंगुलर होंगे। अब ये दो वर्ड्स देखते हैं, सबसे पहले हम ईच और एवरीवन। इनमें लगभग सेम होंगे ये, बट एक बेसिक सा डिफरेंस है। जब आप ईच को देखते हैं तो आप देखते हैं फॉर टू और मोर देन टू, ये दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। जबकि जब आप एवरीवन को देखेंगे तो इसका यूज़ होता है फॉर मोर देन टू। फॉर मोर देन टू आप एवरीवन का यूज़ करेंगे और टू और मोर देन टू तो आप ईच का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, कहने का मतलब है ईच दो के लिए भी यूज़ हो सकता है और एवरीवन दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। तो आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, Each of the two boys has come. तो यहाँ पर आप everyone नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमने word use करा है two boys, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लड़कों में से प्रत्येक आ गया, हर कोई आ गया। तो आप यहाँ पर everyone का use नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने ऐसे लिखा है कि everyone has come तो ये possible है क्योंकि हमने नंबर का जिक्र नहीं किया, तो ये दो से ज़्यादा हो सकता है। तो पहला डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए लगेगा और एवरीवन सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए, कम से कम तीन होने चाहिए। और हाँ, खाली एवरी अगर आप लगाने के लिए जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी ने ऐसा लिखा एवरी ऑफ तो वो पॉसिबल नहीं है, एवरी हैज़ कम तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो एवरी वन होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं ईच अकेला आ रहा है तो ईच बड़ी या ईच वन हमें लिखना यहाँ जरूरी नहीं है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपने देखा ईच ऑफ द टू बॉयज और एवरी वन, तो ये दो बेसिक डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि एवरी के साथ वन लगाना कंपलसरी है या बड़ी कंपलसरी है, जबकि ईच अकेला यूज होगा। दूसरा डिफरेंस, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए आएगा, एवरी वन कम से कम तीन के लिए आएगा, यानी कि दो के लिए एवरी वन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आइदर और नाइदर। ये दो वर्ड्स भी बहुत यूजेबल वर्ड्स हैं, आइदर और नाइदर। अगर आप आइदर को देखते हैं तो इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो जब देखिए मैं मीनिंग में लिख रहा हूँ दो में से कोई एक या दो में से कोई नहीं, तो मतलब क्या हुआ, तीन तीन के लिए तो ये यूज़ हो ही नहीं सकता है क्योंकि मीनिंग ही मैंने इसका क्या लिखा है कि दो में से कोई एक या दो में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनके साथ थ्री से ऊपर नंबर मिले, थ्री या थ्री से ऊपर नंबर मिले तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन सॉल्व दिस, भाई दो लड़कों में से कोई एक इसे सॉल्व कर सकता है। तो अगर यहाँ पर
दो की जगह 3, 4, 5, 6 कुछ भी होता तो आइदर पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नंबर 2 से ज़्यादा होगा तो उसके साथ आइदर नहीं लगेगा, और ये केस आपका नाइदर के साथ भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कम, भाई दो लड़कियों में से कोई भी नहीं आई है। तो इस केस में भी आप देखें, स्पेशल नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, अगर यहाँ पर भी 3 होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर होगा 2 से ज़्यादा तो आइदर और नाइदर नहीं आ सकते। अब क्वेश्चन आएगा, अगर नंबर तो ज़्यादा हो सकते हैं, अगर नंबर ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, तो आइदर और नाइदर तो हम नहीं लगा सकते, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आइदर की रिप्लेसमेंट आप एनी से कीजिएगा और नाइदर की रिप्लेसमेंट आप नन से कीजिएगा। अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे, चलिए देखते हैं उस पर भी कुछ एग्जांपल। आइदर नहीं है तो क्या आएगा, मैंने आपको अभी अभी बताया एनी आएगा, नाइदर नहीं तो क्या आएगा, नन आएगा। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आइदर की रिप्लेसमेंट एनी से होगी, नाइदर की नन से होगी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मैं लिखूं ऑफ द 4 बॉयज हैज ब्रोकन दिस विंडो, अब इसका मीनिंग मैं देता हूं कि भाई इन 4 लड़कों में से एक ने ये विंडो तोड़ी है। तो अगर ऑफ द 2 बॉयज होता तो हमने सीखा आइदर, अब ये 2 से ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो बस आप रिप्लेस क्या करोगे, इसे एनी से कर दोगे, एनी ऑफ द 4 बॉयज हैज ब्रोकन दिस विंडो। और यहां पर नन भी आ सकता था, अगर मुझे सेंस देना होता कि भाई इन 4 में से किसी ने विंडो नहीं तोड़ी तो नन ऑफ द 4 बॉयज हैज ब्रोकन दिस विंडो। तो डिफरेंस क्या है, यहां पर मैंने नन या एनी लगाया, बट अगर नंबर 2 हो जाता ऑफ द 2 बॉयज हैज ब्रोकन दिस विंडो, सेम सेंटेंस रखते हैं हम, मगर नंबर में फर्क आ गया, यहाँ नंबर 4 की जगह 2 है तो 2 के लिए एनी और नन नहीं आएगा। अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव में रखना है, आपको कहना है कि 2 में से किसी एक ने तोड़ी है तो आइदर, और आप कहना चाहते हैं कि 2 में से किसी ने नहीं तोड़ी तो नन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नाइदर। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसे समझना कि आइदर 2 के लिए और ज़्यादा होंगे 2 से तो एनी पॉजिटिव केस में, और नेगेटिव सेंस देना है तो नाइदर 2 के लिए और उससे ज़्यादा होगा तो नन आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, इन्हें वर्ड्स को हम भरते हैं आइदर, नाइदर, एनी या नन। तो आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरना इस सेंटेंसेस को। सो ऑफ द 2 विल कम, ऑफ द 2 विल कम, तो आप यहाँ 2 पॉसिबल आंसर क्या क्या सोच सकते हैं, तो 2 है या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा, अभी हमें ये नहीं पता इनमें से कौन आएगा। तो दोनों आंसर यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, दोनों मीनिंग यहाँ पर बन सकते हैं, ऐसे नाइदर ऑफ द 2 विल कम या आइदर ऑफ द 2 विल कम, कि 2 में से एक आएगा, 2 में से कोई नहीं आएगा। अगला देखते हैं, ऑफ द 4 बॉयज कैन डू दिस, तो 4 आ गया तो फिर से आपके 2 पॉसिबल आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नन या एनी, दोनों पॉसिबल आंसर है क्योंकि हमें कोई हिंट नहीं है कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। सो आप क्या कह सकते हैं, एनी ऑफ द 4 बॉयज कैन डू दिस या नन ऑफ द 4 बॉयज कैन डू दिस। अगला देखते हैं, ऑफ दीज 2 बॉयज कैन पास दिस एग्जाम, तो आप यहां पर भी दोबारा से आपके 2 पॉसिबल आंसर आ गए, आइदर या नाइदर, क्योंकि दोनों में मीनिंग निकल रहा है क्या, आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज मतलब कि इन 2 लड़कों में से पास कोई एक कर सकता है एग्जाम, और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज रेडी टू गो ऑन पिकनिक, तो स्टूडेंट्स इन द क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो 2 से ज्यादा ही होंगे। तो इस केस में आप यहां पर क्या लगाएंगे, या तो नन लगाएंगे या एनी लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव 3 कैलकुलेटर्स, मेरे पास 3 कैलकुलेटर्स है बट डैश ऑफ देम, अब देम किसके लिए लगाया, आपने कहा 3 कैलकुलेटर्स के लिए गए, तो 3 के लिए क्या वर्ड आता है, नन। अब नन क्यों आया, क्योंकि बट वर्ड आ रहा है और साफ हमें पता लग रहा है नेगेटिव में मीनिंग आ रहा है, कैसे, आई हैव 3 कैलकुलेटर्स बट नन ऑफ देम इज फंक्शनिंग, कि उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं,
ऑफ द फोर बॉयज कैन डू दिस, ये हमने पहले भी कर लिया है, ऑफ द फोर बॉयज कैन डू दिस, तो नन या एनी, इसका तो आपको आंसर पता ही है, नन या एनी। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत ईजी प्रोनाउन रहा, यहाँ पर हमने सिक्स वर्ड सीखे, ईच, एवरी वन, नाइदर, आइदर, एनी और नन, तो इनके यूजेस बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में।